गांव जहां पर बहुत कम आबादी है, 90% मुसलमानों की आबादी है और हिंदू लोग एक मंदिर बना रहे थे। ये मैं कह रहा हूं, हम जवाब नहीं देंगे तो मारे जाएंगे। ये यूपी की घटना है, कल की है, न्यूज पर भी चल रही होगी, देखा करो न्यूज जरूर, और राष्ट्रभक्ति वाली न्यूज देखा करो। तो विधर्मी जाते हैं और मंदिर का काम रुकवा देते हैं और मस्जिद से फरमान जारी किया जाता है कि हिंदुओं को न काम पर रखोगे, ना सामान खरीदोगे, ना खेत में जाने दोगे और ना व्यवहार करोगे। अगर कोई इनके साथ व्यवहार करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। कहां ले जाओगे विनोद जी, कुर्सी बैठने को ही आई है। वाह, मान गए आप तो, ओ महाराज आप तो दिव्य महान हो, महान महान हो महाराज, आप तो महान हो, हम तो आपके चरण धोना चाहते हैं पर पानी नहीं है हमारे यहाँ। मंदिर का काम रुकवाया है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के हर समुदाय से, क्या कभी किसी हिंदू ने किसी मस्जिद का काम रोका? नहीं। गिरजाघर का काम रोका? नहीं। गुरुद्वारे का काम रोका? नहीं। यंग जनरेशन को सुनना है, यंग जनरेशन को जगना है। बूढ़े तो बेचारे अब वैसे रह गए, उनके पास तो कोई काम नहीं है। गैप गैप गैप। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरी बात कड़वी जरूर है पर सच्ची है, और हिंदू परिवारों का तिरस्कार बहिष्कार, मंदिर का निर्माण योगी सरकार के नीचे में ये हो रहा है, मोदी सरकार के देश में हो रहा है, भारत सरकार के संरक्षण के नीचे विरोध हो रहा है। हम सरकारों से भी प्रार्थना करते हैं, वहां के एमपी एमएलए डीएम एसपीओं से गुहार करते हैं, तत्काल ऐसे विधर्मियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और ऐसा भारत में अखंडता के खिलाफ कोई काम करे तो उसका राशन कार्ड निरस्त किया जाए। हमारे पास उपाय है, कैसे मारे जाएंगे? राशन कार्ड बंद करो, फीस कर दो हमेशा के लिए, ऑल टाइम ऑल लाइफ, और वोट का अधिकार खत्म करो। जो इनके जमीन जायदाद है इनकी रजिस्ट्री मालिकाना हक करो। इन दरिंदों की अकल 24 घंटे में ठिकाने आ जाएगी। बोलो, कुछ नहीं करना है। जो देश की अखंडता के लिए हिंदू हो मुसलमान सिख हो या ईसाई, मानवता के खिलाफ भारत की अखंडता के खिलाफ कोई काम करता हो तो तत्काल उसका वोट का अधिकार कैंसिल, राशन कार्ड कैंसिल और मोबाइल कैंसिल, रजिस्ट्री कैंसिल, मालिकाना हक कैंसिल। तो मैं कहता हूं 24 घंटे में किसी भी जाति समुदाय का दरिंदा होगा वह निश्चित सुधर जाएगा।